मिशन शिक्षण संवाद के अंतर्गत दैनिक नैतिक प्रभात दिनांक 8 अप्रैल वर्ष 2024 दिन सोमवार। कहानी का नाम है परीक्षा परिणाम। कहानी लेखिका है शिखा वर्मा, इंचार्ज प्रधान अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय सेवड़ा बिस्वा सीतापुर। कहानी वाचक नीलम भदौरिया, जनपद फतेहपुर उत्तर प्रदेश। संकलन टीम मिशन शिक्षण संवाद नैतिक प्रभाव। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी परीक्षा परिणाम। एक गांव में दो दोस्त रहते थे, उनका नाम सिराज और निहाल था। दोनों एक ही कक्षा में एक ही स्कूल में पढ़ते थे और दोनों हर काम में एक दूसरे का साथ देते थे। पिछली अर्धवार्षिक परीक्षा में सिराज के बहुत अच्छे अंक आए थे, सभी शिक्षक उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे। निहाल को भी खुशी होती थी कि उसके मित्र को तारीफ मिल रही है, लेकिन मन ही मन उसे दुख भी होता था। यह बात वह न किसी से कह सकता था, बस स्वयं ही मन में रखता था। इस परिणाम ने निहाल को थोड़ा सतर्क कर दिया। इस बार वार्षिक परीक्षाएं होने वाली थी। सिराज तो पढ़ने में बहुत होशियार था, निहाल कुछ विषयों में थोड़ा कमजोर था। सिराज ने अपने मित्र की उदासी समझ ली थी। जब भी पढ़ने बैठता निहाल के साथ ही पढ़ता, स्कूल में भी घर में भी उसकी यथासंभव सहायता करता। जो विषय निहाल को नीरस लगते थे सिराज ने अपनी चतुराई से निहाल के भी प्रिय बना दिए। खेलते समय वह कुछ ऐसी बातें करता कि निहाल को जागरूकता होती और बहुत सी बातों को वह पुस्तकों में खोजता। विद्यालय की वार्षिक परीक्षाएं हो चुकी थी, आज परीक्षा परिणाम वितरण होना था। सभी बच्चे अपने अंक जानने के लिए उत्सुक थे। कक्षा के सर्वोच्च स्थान प्राप्त बच्चों की सूची सूचना बोर्ड पर लगी थी। निहाल और सिराज दोनों उत्सुकता से नाम पढ़ रहे थे। कक्षा 7 के टॉपर बच्चों में प्रथम स्थान पर सिराज और द्वितीय स्थान पर निहाल का नाम था। अपने नाम देखते ही दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। विद्यालय के सभी बच्चे और शिक्षक अच्छे अंक पाने वाले बच्चों के लिए तालियों की बरसात कर रहे थे। आज की कहानी का संदेश है, यह संस्कार संदेश है। हम जब पूरे उत्साह और लगन से काम करते हैं तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। तो फिर मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।